हेलो व्यूअर्स, आज की रेसिपी में बनाएंगे मैंगो डिलाइट जो कि बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। तो गाइस चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस मैंगो डिलाइट बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1 कप ओरियो बिस्किट एंड 1 कप मिल्क एंड 1 कप हमने ले रखा है मैंगो के पीसेस करके 1 मैंगो का। एंड यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून बटर एंड 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। तो चलिए गाइस इन चीज़ों से बढ़िया सा मैंगो डिलाइट बनाते हैं। गाइस यहाँ पे हमने एक बैग ले रखा हुआ है, अब इसमें क्या करना है, हमने बिस्किट को डाल देना है। थोड़ा सा इससे हमने क्रैक कर देना है। गाइस अब इसको हमने क्रश कर लिया है, अब इसको डाल देंगे एक बोल में। गाइस चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी कि अब क्रीम बनाएंगे। यहाँ पे हमने पैन को जो है गैस चूल्हे पे रखा हुआ है और अब इस पे डाल देते हैं 1 कप हमारे पास है मिल्क। नाउ जी हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और उसके बाद इसको लिक्विड बना लेंगे, फिर इसमें मिक्स करेंगे। तो गैस की फ्लेम को अभी बिल्कुल लो रखा हुआ है मैंने। तो गैस अब यहाँ पे हम इसमें मिक्स कर देंगे ये कॉर्नफ्लोर का जो हमने लिक्विड बनाया हुआ है, इसको डाल देंगे। इसको ज़रा हल्के हल्के से इसको चलाते रहेंगे और लो फ्लेम को इसको जो है मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे। अभी ठीक होने लग गया है तो अभी इसमें हमने क्या करना है कि बटर भी हमारे पास है, इसको हम डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने शुगर बिल्कुल भी नहीं डाला है क्रीम में, तो क्योंकि बिस्किट भी मीठा होता है और मैंगो जो हम डाल रहे हैं वो भी मीठा होता है, तो स्वीटनर कोई भी नहीं डाल रहे हैं। मिल्क है, कॉर्नफ्लोर एंड बटर। बस 1 मिनट तक इसको हमने ऐसे ही चलाते रहना है तो हमारी क्रीम रेडी हो जाएगी, फ्रॉस्टिंग जो होगी। गैस ये तैयार हो गई है, बस इसकी गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे ऐसे ही थोड़ी देर। अभी जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तब इसको हमने कप में डालना है, सर्विंग करने के लिए तैयार करेंगे अपना जो मैंगो डिलाइट बना रहे हैं। तो गाइस ये देखिए हमारी जो क्रीम है वो बहुत ही अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो चलिए अब इसकी लेयर लगाना शुरू करते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, जो कप है हमारे पास उनमें ये डालते हैं बिस्किट। सबसे पहले नीचे इनको लेयर लगाएंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसमें जो ये हमारे पास मैंगो के पीसेस हैं इनको डालेंगे। ये थोड़े पीसेस हमने बचा लिए हैं, अब इनको ऊपर से भी लगाने हैं हमने। अब हम लगाएंगे इस पे क्रीम।
गाइज, अगर अपने टेस्ट वाइज अगर इस क्रीम में शुगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट हमने यहाँ पे विदाउट शुगर ही क्रीम बनाई है क्योंकि बिस्किट और मैंगो दोनों ही मीठे होते हैं। सो हमने थोड़ा मीठा कम रखना था। हमने ये जो मैंगो है इसके पीसेस लगा देने इसमें किनारे किनारे। गाइस अभी यहाँ पे अभी हमने इसको फिर से इसको पूरा ऊपर से डाल देना है बिस्किट जो है हमारे पास क्रश बिस्किट। गाइस ये देखिए अभी हमने इसके ऊपर ये जो अपना ओरियो बिस्किट क्रश किया हुआ था इसके ऊपर लगा दिया है। अब हमने थोड़े से पीसेस मैंगो के और इस पे रखने हैं। कैश्यू नट लगा देंगे थोड़े से। ये देखिए फाइनली ये रेडी हो गई है, तो ये बहुत ही बढ़िया लग रही है और बहुत ही ये आसान है इसको बनाने में, बहुत ही मज़ा आता है। मैं इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप ये रेसिपी पसंद आई होगी। इससे पहले देखते हैं इसको कि ये कैसे सेट हुआ है। और ये देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है ना, खाने में भी बहुत मज़ा आएगा, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।